खबर आपको बता रहे हैं जहां कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी उतरी मैदान सरकार मैदान में उतरी है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया। 31 मार्च तक ट्रेनें अंतरराज्य बस सेवा बंद है, केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी, जिसमें 14 दिनों में विदेश से आए सभी लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने के आदेश दे दिए गए हैं। हालात की देखरेख के मद्देनजर इसकी अवधि और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, यानी कि जो लॉकडाउन है उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक लॉकडाउन फिलहाल घोषित है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तो हालात की देखरेख के मद्देनजर ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। विदेश से आए लोगों पर खास तौर से नजर बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल लॉकडाउन 31 तारीख तक है, लेकिन हालातों को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। तो केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी, सरकार ने अंतर्राज्य बस सेवाएं भी बंद कर दी है। हालातों को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो तारीख तय की गई है 31 तारीख है, लेकिन स्थितियों को देखते हुए इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार आशीष तिवारी फोन लाइन पर हो गए। आशीष, जैसा कि कोरोना वायरस के चलते 31 मार्च लॉकडाउन की तारीख है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है, फिलहाल अलर्ट किस तरीके से है, व्यवस्थाएं किस तरीके से नजर आ रही है? लेकिन लॉकडाउन की तारीख को बढ़ाया गया 31 मार्च तक के लिए। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के नाम संबोधन दिया और जिस तरीके से जनता कर्फ्यू को कॉल किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, कल जिस तरीके से लोग अपने घरों तक थे, एक बड़ी गैदरिंग कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हुई नहीं। इसे ही ध्यान में रखते हुए कल मुख्यमंत्री निवास में एक तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, स्वास्थ्य महकमे के लोग भी इस बैठक में शामिल थे। और इसके बाद ही ये निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन की स्थिति में छत्तीसगढ़ को 31 मार्च तक ले जाया जाएगा। मकसद यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात लगातार हो रही है, ताकि कोरोना वायरस के इफेक्ट से लोगों को बचाया जा सके, उस कड़ी में ही ये निर्णय भूपेश बघेल सरकार ने लिया है। हालांकि इस बीच छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात है कि एक ही पेशेंट जो लंदन से आई एक लड़की थी, उसके बाद ये वायरस किसी दूसरों में स्प्रेड नहीं हुआ है, कोई दूसरे ऐसे संदिग्ध मरीज सामने नहीं आए हैं। संदिग्ध मरीज तो सामने जरूर आए हैं, एक वायरस अफेक्टेड कोई दूसरा मरीज सामने नहीं आया है। खास महकमे ने 40 बिस्तरों का जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था वो लगभग पैक है। और इस बीच सरकार ने कई अहम निर्णय भी लिए हैं, कई निर्देश जारी किए हैं। मसलन जो विदेश से लौटे हुए लोग हैं जिन्होंने जानकारी छिपाई है, या ऐसे लोग जिन्हें होम आइसोलेशन की हिदायत दी गई थी और वो इस हिदायत को नजरअंदाज कर पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं, उन लोगों पर सरकार ने सख्ती बरतने का भी निर्णय लिया है। कल सरकार के एक आदेश में ये कहा गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यानी यदि कोई होम आइसोलेशन में नहीं है, होम क्वारंटाइन में नहीं है, तो ऐसे लोगों को सरकार के बनाए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और जबरदस्ती रखा जाएगा। तो ऐसे कई फैसले भूपेश बघेल की सरकार ने लिए हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि 31 मार्च तक जरूर लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, लेकिन जो जरूरी अत्यावश्यक चीजें हैं, किराने की दुकान, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, नगर निगम की सेवाएं, ये सब यथावत जारी रहेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मैं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले